जनता का फैसला आपके सामने है। अगर आप बात करें इस समय तो 343 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना रखी है, 94 सीट पर यूपीए है और 105 पर अन्य है। अगर प्रदेश की बात करें तो 25 में से करीब 18 से 19 सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं जो बीजेपी के खाते में गई हैं, बाकी सीटों पर भी बीजेपी ने ही बढ़त बना रखी है। चलिए एक बार पहले आपको दिल्ली लिए चलती हूँ, जहाँ हमारे संवाददाता प्रीत किरण ने ओम माथुर जी से बात की है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, जैसी उम्मीद लगाई थी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बेहतर परिणाम मान रहे हैं या इससे और बेहतर हो सकते हैं? नहीं, हमने जो सोचा था कि 2014 से ज्यादा सीट हम जीतेंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पिछले 2 सालों से आप लोगों के पास भी और सार्वजनिक भी कह रहे थे कि हमारे, क्योंकि देखिए बहुत अंतर हुआ 14 में और 19 में। 14 में तो हम मात्र नरेंद्र मोदी जी एज ए सीएम गुजरात और गुजरात लेके गए थे, लेकिन इन 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी नहीं रहे, पीएम नहीं रहे, नरेंद्र मोदी जी देश का विराट व्यक्तित्व बन चुके और इसके साथ सर्वमान्य व्यक्तित्व बन चुके। और फिर इन 5 सालों में जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है, 70 साल में जिन लोगों ने कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे काम उन्होंने धरती पर उतारे हैं। और इसके साथ ये भी नहीं, मोदी जी ने प्रगति नाम से एक और सिस्टम चलाया कि जो पिछली सरकारों ने भी ऐसे काम थे जो किसी पॉलिटिक कारण से, आर्थिक कारण से, भौगोलिक कारण से रुक गए, उनको भी लागू करूंगा। लगभग 10 लाख करोड़ के ऐसे काम भी इन 5 सालों में सैंक्शन करके शुरू किया। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं यूपी का प्रभारी था पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय, वहाँ 26 साल से गोरखपुर का कारखाना बंद पड़ा था, केन बेतवा का 45 साल से खाली एक उद्घाटन किया पड़ा, वो हमने शुरू किया। तो लोगों में एक विश्वास जमा मोदी जी के बारे में कि मोदी हमारे लिए आया। राजस्थान को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? 25 की 25 सीटें ये माना जाए भाजपा के कब्जे में रही, अब आगे क्या, कैसे अन्य राज्यों में जैसे कि 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार रही, क्या उम्मीद लगा रहे हैं कुछ राज्य और बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं? देखिए ये चीजें हाइपोथेटिकल है, हमारे बोलने से पहले तो कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल गए कि हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है। कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, वो अपने घर को संभाले। हम पूरी तरह से लोकतंत्र के पूरे विश्वास में रहने वाले लोग हैं, लेकिन अगर उनका घर ही बिखर रहा है तो वो जाने, हमें उसकी अभी, हम केंद्र में हमारी अच्छी सरकार प्रभु कृपा से जनता ने आशीर्वाद दिया है, अभी शपथ ग्रहण समारोह होगा, उस उत्साह के रूप में पूरे देश में वायुमंडल बना है, जहाँ हम नहीं थे वहाँ पे भी हम आ रहे हैं। अभी ये कहाँ हमारे पास सोच, हम तो हमारी सरकार केंद्र की अच्छी बने उसमें लगे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं, तारीख कब तय की गई है और बैठक कब बुलाई जाएगी सर? कल पार्लियामेंट बोर्ड बुलाया, उसमें सारी तारीख टाइम वगैरह तय होगा। तो शपथ ग्रहण की तैयारी है, अब जनता ने पूरी तरीके से मैंडेट दिया है बीजेपी ने, अगली सरकार अब मोदी सरकार। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, 11 TV दिल्ली।